ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक ईफा स्कूल सिस्टम लाला मूसा कैंपस में योम आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने तकारीर, टैबलो, बैतबाजी, मिली नगमे और गीत पेश किए। योम आज़ादी के हवाले से प्रिंसिपल फैसल चंजुआ ने तकरीब में शरीक तलबा और तालिबात और असातिज़ा की काविशों को सराहा और कहा कि आज के इस मुबारक दिन के बारे में हमें अपने बच्चों की खसूसी तरबियत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि 14 अगस्त को बेशुमार कुर्बानियों, मुसलमानों की शहादतों, हजारों बहनों और बेटियों की इज्जतों की कुर्बानियों के बदले में हमें ये अजीमशान मुल्क पाकिस्तान मिला है। बजाय इसके कि हम बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर, हाथों में बाजे थमाकर, गलियों में लोगों को तंग करने के लिए खुला छोड़ दें, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को साथ बिठाकर थोड़ी उन्हें 1947 के दिन के हवाले से अपने बुजुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों और मासूम बच्चों की दी गई लाजवाब कुर्बानियों की बातें बतानी चाहिए, ताकि उनके दिलों में वतन की मोहब्बत पैदा हो कि किस तरह इस वतन अजीज़ को हासिल किया गया।